सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 37। दो असमान रेखाओं ए बी सी डी के बीच के कोण को बिना बढ़ाए हुए दो समान भागों में बांटो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दो असमानांतर रेखाएं हम लेंगे, इस तरह से इनके हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। कह रहा है कि इन दो समांतर रेखाएं जो है इनके बीच का हमने कोण पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने बी पर वर्तुलाकार रखो और यहाँ पे आपने एक चाप लगा देनी है, ए पर प्रकार करके भी इतनी ही चाप लगा दो और इसको मिला दो ऊपर से। और इस रेखा का हम नाम दे देते हैं EF। इसी तरह से आपने C पर प्रकार करके भी चाप लगा दो और D पॉइंट पर प्रकार करके भी ऐसे ही आपने चाप लगानी है और आपने इन दोनों चापों को भी उल्टा ऊपर से मिला देना है। इस तरह से डॉटेड मिलेगी। इस तरह से आपकी मिल जाएगी। ये जो आपका पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है, इसका हमने समद्विबाह भाजन करना है यहां से इस कोण का, जो इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण बनना था। इस तरह से चाप लगाएंगे, फिर उतनी प्रकार खोल के हम चाप पे आगे लगा देंगे। यह जहां पे ये कट रही है चाप पे, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहां पे मिला दूंगा। ये आपका आ गया है दो असमांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनना था उसके दो समान भाग हो गए। अगला आपका है प्रश्न नंबर 38। ए बी सी डी असमानांतर दो रेखाएं जिस कोण पर झुकी हों उस कोण को बिना रेखा बढ़ाए ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको दो रेखाएं दे रखी है, असमानांतर रेखाएं हैं, एक आपकी है ए बी, एक आपकी है सी और डी। तो इस तरह से हम दो रेखा ले लेंगे ए बी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। अभी कह रहा है कि इन दोनों को बिना झुकाए हुए इनका बीच का कोण हमने प्राप्त करना है। तो हमने क्या करना है, बी रेखा से जहाँ बी पॉइंट है यहाँ से थोड़ा सा पीछे से हम एक चाप लगा देंगे, ए पर भी हम जो है वो थोड़ा पीछे से चाप लगा देते हैं। इस तरह से ये हमने चाप लगा दी है और हम इनको मिला देंगे ऊपर से। इस तरह से हम इनको मिला देंगे डॉटेड पहले, ये ठीक है जी, ये आ गई, ये हमारा कोण आ रहा है। अब हम इसको डार्क भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमने यहां पे कोण दर्शाना है। ये है, ये जो आपका कोण है, ये जो आपकी लाइन आ रही है, ये है ई एफ, ये जो आपका एंगल आ रहा है, ये इन दोनों रेखाएं यदि हमारी आगे बढ़ती है तो जहां पे ये एंगल कटेगी आपस में मिलेगी वहां पे भी यही एंगल बनेगा आपका। यह है आपका प्रश्न नंबर 38।
अगला आपका है प्रश्न नंबर 39। दी हुई रेखा ए बी के बाहर दिए बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो ए बी रेखा पर दिए हुए कोण एक्स के समान कोण बनाए। तो सबसे पहले आपको एक रेखा दे रखी है ए बी, हमने एक ए बी रेखा लेनी है सबसे पहले, ये आपकी है ए बी पॉइंट आपके आगे, इसके बाहर बिंदु दिया हुआ है ई। अब ये कह रहा है कि इस रेखा से हमने ए बी रेखा के समानांतर एक रेखा भी खींचनी है और एक कोण हमें दिया हुआ है एक्स, उतना ही कोण बनाए, ऐसी रेखा हमने यहाँ पे लगानी है। तो एक हम यहाँ पे कोण ले लेते हैं एक्स, ये हमने कोण ले लिया है, ये आपका एक्स कोण है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपकी ए बी रेखा है इस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे एच, और आपने क्या करना है एच पॉइंट पर प्रकार करके ई जितनी प्रकार होनी है जितना आपका ई है, ये आप देख सकते हैं ई से आपने एक चाप लगानी है नीचे को ए बी रेखा पर इस तरह से, जहां ये चाप आ रही है इसका नाम हम दे देते हैं जी। अब आपने क्या करना है ई पॉइंट पर दोबारा से प्रकार रखनी है और एच जितनी प्रकार खोल के आपने यहां से ऊपर को चाप लगानी है ऐसे। अब आपने क्या करना है जी से ई जितनी प्रकार खोलनी है, ये आपकी आ गई। एच से हमने इस चाप को काटना है, जहां पे ये कट रहा है ये पॉइंट जो है इसको हमने ई के साथ मिलाना है इस पॉइंट को, इस तरह से, और ये आपकी जो रेखा आ गई है इस रेखा का हम नाम दे देते हैं सी और डी। अब हमने क्या करना है एक्स कोण के बराबर हमने प्रकार खोलनी है जितना आपका एक्स कोण है, ये आप देख सकते हैं इतनी प्रकार खोल के आपने ई पॉइंट से चाप लगानी है इस तरह से। जितना ये आपका बड़ा पॉइंट है ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा आपका कोण है, इतनी प्रकार खोल के आपने यहाँ से इस पे चाप लगानी है इस तरह से, और आपने इसको मिला देना है ई के साथ इस तरह से, ये आपकी अंश रेखा आ गई है, ये पॉइंट आकर आपका आ गया एफ, जो कोण आपका ऊपर बन रहा है वही कोण आपका यहां भी बन जाएगा नीचे आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पे, ये देखिए इतना ही कोण ये बनके तैयार हो गया है। ये आपका प्रश्न है 39, और ये जो आपका आज सिलेबस हमने कर किया है ये आपका रेखाओं और कोणों के जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं, और आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री या फिर स्केल ड्राइंग, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिस विषय के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे वही विषय में अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा।